नमस्ते बच्चों बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सच्चे मित्र का बाकी का अंश। जैसे कि आपने पहले भी इस कहानी का आधा अंश पढ़ लिया है और आप जानते हैं कि ये कहानी कृष्ण और सुदामा के मित्रता पर आधारित है। तो आपको पता है कि ये जब सुदामा उनसे मिलने जाते हैं श्री कृष्ण से, तो किस तरह से श्री कृष्ण उनका आदर सम्मान करते हैं, उन्हें बैठाते हैं सिंहासन पर बैठाकर, उनके पैर धोने लगते हैं। तो सुदामा कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं, ये आपको शोभा नहीं देगा। तो श्री कृष्ण जी बड़े प्यार से कहते हैं, इसमें बुराई क्या है, आप हमारे पुराने मित्र हैं और आज आप अतिथि हैं, अतिथि भगवान का रूप होता है। यह कहकर वो उनके पैर धोने लगते हैं और सुदामा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो बगल में दबी पोटली को और दबाते हुए सुदामा कहते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बगल में क्या दबा रखा है? सुदामा देना नहीं चाहते, उन्हें शर्म आती है। तो श्री कृष्ण जी उस पोटली को ले लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा वाह, कितने स्वादिष्ट हैं, क्योंकि उसमें पोटली में चावल होते हैं, वो चावल वो खा लेते हैं जो कि भुने हुए चावल हैं। और बड़े प्यार से कहते हैं, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी राजमहल के भोजन में भी नहीं मिला। प्रेम की तो कुछ बात ही अलग है, क्योंकि भाभी ने बड़े प्यार से, यानी सुदामा की पत्नी ने उन्हें बड़े प्यार से ये चावल भेजे थे। तो सुदामा कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है कि मित्रता में प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। यही जानकर तुम्हारी भाभी ने मुझे यहाँ पे हट करके भेजा है। तो बच्चों, श्री कृष्ण कहते हैं, याद है हमें पढ़ाते समय हमारे गुरुजी ने कहा था, वह सच्चा मित्र नहीं जो अपने निर्धन मित्र को भूल जाए। और यह सुनकर सुदामा कहते हैं, याद है, और आज देख भी लिया। दोनों हंसने लगते हैं। तभी सेवक दो थाल में भोजन लेकर आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा अब बातें बनाना छोड़ो और आओ भोजन कर लें। सुदामा उठने लगते हैं, किंतु श्री कृष्ण उन्हें बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र तुम थके हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो, विश्राम के बाद तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। उसके बाद वो अपने आराम करने अपने शयन कक्ष में जाते हैं और कहते हैं, सेविका को कहते हैं, और सेविका कहती है, जो आज्ञा महाराज। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मित्रता में धन को नहीं बल्कि प्यार को महत्व देना चाहिए। उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, आप इस कहानी को पढ़िए और इसके कठिन शब्दों का लेखन अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।